टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस समय मौजूद है मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर और नारायण राणे ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में सेना जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और कई जगह बीजेपी कार्यालयों पर तोड़फोड़ भी हुई है और नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आज मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से नारायण राणे ने सीएम पर टिप्पणी की थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नारायण राणे की बेताब बातें शिवसेना को बहुत बुरी लग रही है। माननीय पक्ष प्रमुख महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब के ऊपर कुछ भी आरोप लगा के कुछ भी गंदी बातें कर रहा है, इसलिए उनके खिलाफ में आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए भी जो है कमर कस ली है, उन्हें वारंट भी जारी हो रहा है। पुलिस जब तक नारायण राणे को गिरफ्तार नहीं करती तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, जिस तरह से टिप्पणी की गई उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस शिवसेना ने कोमड़ी चोर नारायण राणे को इतनी बड़ी कुर्सी दी, मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, उस कोमड़ी चोर ने जो है आज इस तरह का वक्तव्य जाहिर किया है जिससे जो है पूरा देश जो है शर्मसार हो चुका है। एक ऐसा मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत वक्तव्य दिया है उसने, एक ऐसे ऐतिहासिक जो है मुख्यमंत्री जो हमारे विकास पुरुष हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ उसने बोला है, इसलिए हम उसके खिलाफ यहाँ जो है FIR की मांग करने आए हैं। हालांकि FIR हो चुका है, हम मुंब्रा के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है मधुकरकर साहब से भी ये अपील करते हैं कि उसके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो है गांव-गांव फिर रहा है, मगर किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फेरी वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी कल की बात है कि इंदौर की घटना जो सामने आई है, पूरा देश जो है हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं से थर्रा उठा है, मगर इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं है, पूरा देश बेच दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं है। ये जन आशीर्वाद जो है यात्रा पर निकले हैं, इनके ऊपर लात घूसा चप्पलों की बरसात नहीं होगी तो क्या होगी? मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो नारायण राणे की तस्वीर है उसके ऊपर अब जो है यहाँ पर कुछ इंक या स्याही कह सकते हैं जो है लगाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि तस्वीरें दिखाएं किस तरह से ये इंक या जो है काली क्या है वो लगाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है नारायण राणे के पोस्टर पर इंक फेंकी जा रही है, जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पर नारायण राणे के तस्वीर पर जो है इंक फेंकने का काम करके अपने यहाँ पर जो है विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। और क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब के खिलाफ इन्होंने नारायण राणे चोर है और उल्टा सीधा गलत शब्द बोला है और शिव सैनिक इनको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और हम ये तैयारी कर रहे हैं, अभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा नारायण राणे तब तक शिवसेना पार्टी रोड पर उतरेगी और मांग करती रहेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नारायण राणे का विरोध करते हुए आज सड़कों पर उतरे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन जसवीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।